आपको किसी ने यह बताया है कि आपका शनि चल रहा है और आपके ग्रह बाधा में शनि सप्तम भाव में 2.5 वर्ष का चल रहा है, 6.5 चल रहा है, आप इस उपाय को अगर करेंगे तो शनि ग्रह शांत होगा और आपको अनेक प्रकोप से वह शनिदेव बचा लेगा। आप शनि की 6.5 अथवा 2.5 से परेशान व्यक्ति किसी भी शनिवार को एक कटोरी में सरसों का कौवा तेल लेकर उसमें भरकर एक त्रंजुट नारियल डाल दे और उस तेल में अपना मुंह देखकर शनिवार को किसी को दान देने वाले डकौत को डाल दे। उस तेल से अपना मुंह देखकर शनिवार को दान लेने वाले को डकैत को दान कर दे। ऐसा अगर आप 11 शनिवार करेंगे तो शनि के प्रकोप से आप बच जाएंगे और आपके सारे दोष को शनिदेव महाराज दूर कर देंगे। लोहे में पाए जाने वाले बच्चे के दोष के निवारण के लिए बच्चे के माता पिता किसी कासे के बर्तन में सरसों का तेल या कुछ सिक्के डालकर शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को स्वयं दोनों का चेहरा देखकर किसी मंदिर में दान कर देंगे तो लोहे के पाए से जन्मे बच्चों का दोष शीघ्र दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति के राहु केतु कुंडली खराब स्थिति में है और अथवा कुंडली के काल सर्प योग बता रहा है और काल सर्प योग होने से वह व्यक्ति कर्ज में डूबा है, कोर्ट कचहरी का वह चक्कर में फंसा हुआ है, तब उसे एक उपाय करना चाहिए कि तांबे की सर्प वाली अंगूठी को बुधवार या शनिवार के दिन मध्य या कनिष्ठ उंगली में धारण करना चाहिए। धारण करने के पूर्व 5 नग मिठाई लाल कपड़े में रखकर राहु मंत्र का जाप 108 बार करें। यह प्रयोग ग्रहण काल में करें तो अति उत्तम है। मंत्र जाप के पश्चात अंगूठी धारण करें एवं लाल कपड़े सहित मिठाई को भैरव मंदिर में चढ़ा दें। यदि इसके साथ सूर सर्प सूक्त का पाठ करें, सर्प सूक्त का पाठ करें और शीघ्र उसकी काम सिद्ध होगा और सभी प्रकार का लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होगी। दिशाशूल में यात्रा ना करें। आप अगर दिशाशूल में यात्रा करते हैं तो अनिवार्य है तो आपको उपाय अपना